अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप के सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं हूं ज़किया, आप देख रहे हैं कुक विद ज़किया चौधरी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूं चिकन स्पैगेटी की रेसिपी। उसके लिए जो चीज़ें चाहिए, कैरेट ली है मैंने 2 अदद, जिसे मैंने क्यूब्स में कटिंग कर लिया। एक मैंने मीडियम साइज़ का प्याज लिया था, उसे भी कटिंग कर लिया। बोनलेस चिकन लिया था, जिसको स्मॉल पीसेस में कटिंग कर लिया। शिमला ली थी मैंने 2 अदद, इसको भी क्यूब्स में कटिंग कर लिया। चिली सॉस लिया मैंने, सोया सॉस लिया, सिरका लिया, ब्लैक पेपर लिया, सॉल्ट लिया और स्पैगेटीज का एक पैकेट लिया। स्पैगेटीज को तोड़ के हम साइज़ में थोड़ा छोटा कर लेंगे, ताकि हमें बॉयल करने में आसानी हो। अब हम स्पैगेटीज को बॉईल कर लेंगे। एक पैन में हमने पानी ऐड किया था, पानी गर्म हो चुका है। अब हम इनमें सॉल्ट ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब हम इसमें स्पैगेटीज ऐड कर देते हैं। स्पैगेटीज ऐड कर दिए, इसको थोड़ा सा हिलाएंगे। अब हम इसको ऊपर से कवर कर देंगे और 5 मिनट तक बॉयल होने देंगे। पाँच मिनट गुजर चुके हैं और अब हम इसको मज़ीद 5 मिनट बॉयल करेंगे। तो ये 10 मिनट हो चुके हैं, हमारी स्पैगेटीज बॉयल हो चुकी है। अब हम इसे किसी बर्तन में निकाल लेते हैं और स्ट्रेन कर लेते हैं। एक पैन में हम ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल गर्म हो चुका है, अब हम इसमें चिकन ऐड कर देंगे। चिकन ऐड करके इसको 2 मिनट हम ऐसे ही कुक करेंगे। दो मिनट गुजर चुके हैं, अब हम इसमें कैरेट ऐड करेंगे। आहिस्ता आहिस्ता चम्मच हिलाते रहेंगे ताकि तमाम चीज़ें इवनली फ्राई हों। अब हम इसमें शिमला ऐड कर देंगे। इन तमाम चीज़ों को हम 4 से 5 मिनट कुक करेंगे। इसमें ऐड करेंगे सॉल्ट 1 टीस्पून, ब्लैक पेपर 1.5 टीस्पून। तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। इसमें ऐड करेंगे चिली सॉस 1 टेबलस्पून, सोया सॉस 1 टेबलस्पून, सिरका ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून। तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। अगर हमें सॉसेस या स्पाइसेस कम लगें तो हम बाद में भी ऐड कर सकते हैं। अब हम इसमें अनियंस ऐड करेंगे।
अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 2 से 3 मिनट हम इसको ऐसे ही कुक करेंगे और फिर हम इसमें स्पैगेटीज ऐड कर देंगे। तीन मिनट गुजर चुके हैं, अब हम इसमें स्पैगेटीज ऐड कर देंगे जो हमने बॉईल की थी। स्पैगेटीज ऐड कर दिए, अब हम इसको जेंटली मिक्स करेंगे। स्पैगेटीज को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया। अब हम इस पे सब्ज़ धनिया ऐड करेंगे। और 2 मिनट के लिए दम लगा देंगे। जी, 2 मिनट गुजर चुके हैं, हमारी स्पैगेटी रेडी हो चुकी है। अब हम इसको सर्विंग प्लेट में निकाल लेंगे। आई होप कि आपको चिकन स्पैगेटीज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि आप मेरी आने वाली तमाम वीडियोस देख सकें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।